लकड़ी से संबंधित बयान दिया है, कड़े से संबंधित बयान दिया, हमारे धार्मिक चिन्हों से संबंधित बयान दिया है। ये राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाके इतना कह देते कि 84 में जो नरसंहार हुआ है वो दंगा नहीं है, जो नरसंहार हुआ है मुझे उसका खेद है, तो हम उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत कर लें। यदि आज समाज में एक अच्छी सरकार है तो हम लोगों के बीच में दरार डालने का ये काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए और उनके पास जो धाराएं लग सकती हैं इस उस केस में वो धाराएं लगवा। योगी जी और मोदी जी ये लोग जो सामाजिक सौहार्द बनाकर एक सरकार को चला रहे हैं, ऐसी सरकारों में विघ्न डालने का काम असामाजिक तत्वों के रूप में जो ये काम कर रहे हैं, हमारी मांग है कि राहुल गांधी के ऊपर केस चलना चाहिए, इसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति कोहली और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हम मौजूद हैं जिला कार्यालय में, जहां पर सिख समुदाय के लोग नारेबाजी करते हुए आए हैं। ये इनका जो मार्च है ये चौकी चौराहे से शुरू होकर जिला कार्यालय में ख़त्म हुआ है। इन्होंने आज डीएम को ज्ञापन सौंपा है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में जो एक सिख समाज के विरोध में एक ऐसा भ्रामक बयान दिया गया है कि जिससे समाज में अस्थिरता पैदा हो, सामाजिक सौहार्द जो है वो ख़त्म हो, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर आकर एक डीएम साहब को कमिश्नरी स्तर पर ज्ञापन देने का काम किया है। और राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम लोगों को पगड़ी से संबंधित बयान दिया है, कड़े से संबंधित बयान दिया, हमारे धार्मिक चिन्हों से संबंधित बयान दिया है, तो एक बार ये भी बयान दे देना चाहिए था। 1947 से लेकर 1984 तक सिखों के बच्चों के गले में टायर डालने का काम इसी कांग्रेस ने किया है, जगदीश टाइटलर जैसे नेता जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं ऐसे लोगों ने किया है। यदि आज समाज में एक अच्छी सरकार है तो हम लोगों के बीच में दरार डालने का ये काम कर रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से अखंड पाठ साहिब करवाया, प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिन्होंने अपने सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को सजाया। योगी जी और मोदी जी ये लोग जो सामाजिक सौहार्द बनाकर एक सरकार को चला रहे हैं, ऐसी सरकारों में विघ्न डालने का काम असामाजिक तत्वों के रूप में जो ये काम कर रहे हैं, हमारी मांग है कि राहुल गांधी के ऊपर केस चलना चाहिए, इसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। पूरी बात यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर सिखों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, कहा है कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी पहनने पे और कड़ा पहनने पे रोक है। अरे हम तो राजा की तरह जी रहे हैं हिंदुस्तान में, और हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सीएम ने अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहब को नहीं लिया, इतने आदर सत्कार से घर पे स्थापना नहीं की, उन्होंने घर पे पाठ रखवाए, लंगर करवाए, मोदी जी ने दरबार साहब में जाके लंगर की सेवा की, प्रसादे बनाए। ये राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाके इतना कह देते कि 84 में जो नरसंहार हुआ है वो दंगा नहीं है, जो नरसंहार हुआ है मुझे उसका खेद है, तो हम उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत कर लें। बीजी आपकी क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगों को लेकर? हमारी मांग ये है कि उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए और उनके पास जो धाराएं लग सकती हैं इस उस केस में वो धाराएं लगवा के, अगर ये नहीं होते तो आगे आप क्या आगे की रणनीति आगे करेंगे। अभी हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुने। आज हमने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है, ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री को दिया है, उनको एड्रेस करके इनके थ्रू ज्ञापन दिया है।